ये मेरा जो ब्लॉग देख रहे हैं उसके बाद से आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम जैसे तैसे तैयार हो गए, सूरत में पहुंच गए हैं अभी, और अभी हम जा रहे हैं अपनी ऑफिस पे वॉक करते करते, क्योंकि वॉक करना बहुत पसंद है हमें। तो मैं मजूरा गेट से मेरी ऑफिस तक चलते चलते जाता हूँ, है ना। तो अभी ऑफिस पे मिलते हैं, और ये हम आ गए हैं अपने कर्मस्थल पर। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी हम जाएंगे अंदर, कुछ काम वाम करेंगे। और 26 जनवरी है तो आने वाली है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ डिस्काउंट वगैरह मिल रहा है। है गाइस, तो अभी आप देख सकते हैं मेरी जो बाइक है वो ख़राब हो गई है बीच रास्ते में। अभी यहाँ पे कुछ रिपेयरिंग वगैरह करवा रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये जो बाइक है वो अच्छी हो जाए ताकि मैं घर जा सकूँ, है ना। तो अभी फ़िलहाल ये चालू हो गई है मेरी बाइक, और अभी देखते हैं आगे। एकदम स्लो स्लो जाना पड़ेगा, एकदम धीरे धीरे जाना पड़ेगा ताकि घर जाते वक्त वापस बंद ना हो जाए। अभी ये जो गैरेज है यहाँ पे, वहाँ पे मैंने रिपेयर करवाई है, थोड़ा बहुत कुछ काम किया है इन्होंने। तो अभी फाइनली चालू हो गई है, और अभी हम निकलने के लिए रेडी हैं। तो ये भाई देख रहे हैं, इन्होंने मेरी बाइक अभी ठीक करके दी है मुझे, और अभी मैं निकल रहा हूँ घर के लिए। और सो फार सो गुड, घर तक अच्छे तरह से पहुँच जाऊँ, बस यही। तो ये गैरेज है यहाँ पे, पायल ऑटो गैरेज एना के पास। तो वहाँ पे अभी मैंने रिपेयर करवाई है मेरी बाइक, और अभी फाइनली निकल रहा हूँ घर पे। तो भाई भैया थैंक यू भाई, है ना। तो ये भाई को थैंक्स बोलना पड़ता है क्योंकि उन्होंने गाड़ी अभी काम चला हुई पर ठीक करके दे दी है। तो अभी निकलते हैं, फिर घर पे मिलते हैं। और अभी मैं आपको जो सीन बताऊँगा आप कैमरे में जस्टिस नहीं कर पाओगे, पर बहुत अच्छा सीन है। आप एक बार ये सिनेमेटिक शॉट एन्जॉय कीजिए, ये सीन एन्जॉय कीजिए, क्योंकि ये कैमरा जस्टिस नहीं कर पाएगा, पर ये जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत अच्छा सीन है, कभी नहीं देखा ऐसा सीन मैंने। हेलो दोस्तों, तो अभी हम उठ गए हैं, फ्रेशन अप हो गए हैं, तैयार हो रहे हैं, क्योंकि एक फ्रेंड के यहाँ कुछ इवेंट है तो वहाँ पे जाना है। और अभी तैयार हो गए हैं, मतलब हो नहीं गए, अभी थोड़ा मैसी लुक है, पर हो रहे हैं तैयार, और फिर वहाँ पे इवेंट अटेंड कर रहे हैं। और सो फार सो गुड, मेरी जो बाइक थी वो कल रिपेयर हो गई अच्छे से, और मैं घर पहुँच गया। पर आज अच्छी तरह से और अच्छी तरह से रिपेयर करने के लिए मुझे बाइक देनी है, तो वो भी आज देना है। और फिर ये इवेंट भी अटेंड करनी है, तो देखते हैं अभी कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, जो भी कुछ करते हैं देखते रहिएगा। तो मैं आ गया हूँ दोस्तों, और आज का दिन बहुत अच्छा गया क्योंकि आज 26 जनवरी थी, और मेरा कुछ ऐसा प्लान था कि मैं सुबह जल्दी से उठूँ और फिर 26 जनवरी के प्रोग्राम में जाऊँ, जो कि हमारे गांव में ही था, डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम था, तो वो अटेंड करूँ, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था। पर क्या करें, सुबह जल्दी उठ नहीं पाया क्योंकि रात को एक फ्रेंड्स के यहाँ गए थे तो बहुत ज़्यादा देर हो गई थी आने में, और फिर सुबह उठ नहीं पाया जल्दी, और वो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम था वो हम अटेंड करना रह गया। और क्योंकि सुबह एक और दोस्त के यहाँ जाना था, उसके यहाँ भी कुछ इवेंट था, कुछ प्रोग्राम था, तो वो भी अटेंड करना था, तो वो मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो प्रोग्राम हमारे गाँव में हो रहा था वो अटेंड नहीं कर पाया। तो बस उसी इवेंट में लगभग 2-3 बज गए सुबह से, मैं गया था तैयार होके, जब मैंने आपको बोला कि मैं जा रहा हूँ करके।
तो वहाँ पे ही बहुत देर हो गई। और फिर आज 26 जनवरी के साथ साथ मेरे पापा का बर्थडे भी है। वैसे तो हम सेलिब्रेट करते ही नहीं है, क्योंकि मेरे पापा को भी नहीं पसंद है कि उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन करें और केक वगैरह सब काटें, तो हम वो तो नहीं करते हैं। पर ऐसे ही पापा को बस बर्थडे विश कर देते हैं और बस हो जाता है। वो पापा भी सुबह सुबह उठ के मंदिर वगैरह हो आते हैं, ताकि उनका दिन अच्छा जाए, उनकी ये साल अच्छा जाए। मतलब सबका सोचना अलग अलग रहता है, तो उस तरीके से हम भी सोचते हैं। तो बस यही है, आज का दिन कुछ खास नहीं गया। और मैं बताऊं आपको कि कल मैं जब सूरत से निकला, तभी से मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी बाइक में कुछ तो प्रॉब्लम है। पर मैं वैसे भी धीरे धीरे ही आ रहा था बाइक से, पर जैसे ही मैं बारडोली के नज़दीक नज़दीक पहुंचा, तो मेरी जो बाइक है वो ख़राब हो गई। उसका जो इंजन था वो जाम हो गया और नहीं किक लग रही थी, नहीं आगे जा रही थी। तो कुछ देर मैंने वैसे ही खड़ा कर दिया बाइक साइड पे, और वहाँ पे एक उबड़िया जो है, बहुत फेमस चीज़ है गुजरात की, जिसे उबड़ी बोलते हैं, वो खाने की एक अच्छी वैरायटी है। तो वहाँ पे मैंने जाके पूछा कि भाई यहाँ पे कोई गैरेज वगैरह है क्या, तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, यहीं पे पास में एक गैरेज है, आप ओवर ब्रिज क्रॉस करके चले जाओ, वहाँ पे एक गैरेज है, तो वहाँ पे शायद आपकी बाइक हो जाए। तो मैंने वहाँ पे जो उबड़ी बना रहे थे उसकी शॉप पे जिन दोनों जो दो लड़के को मतलब पूछा था कि यहाँ पे कोई गैरेज वगैरह है क्या, तो उन्होंने देखा कि यार ये ऐसे ही चलते चलते जा रहा है, तो उन्होंने मेरी हेल्प करने के लिए वो खुद आया बाद में। और फिर मैं गाड़ी पे ऐसे ही बैठ गया, और फिर उन्होंने पीछे से मेरी बाइक को धक्का लगाया, और फिर मैं गैरेज ले गया बाइक की। वहाँ पे जो गैरेज था वो बंद होने की तैयारी में ही था, मगर फिर वो दो भाई थे, उन्होंने बोला कि यार करके दो, ये बहुत दूर जाने वाला है। तो गैरेज पे जो भी भैया थे दोनों, उन्होंने मेरी गाड़ी ठीक कर दी, उसमें कुछ किया वगैरह सब, ऑयल वॉयल डाला, फिर वो ठीक हो गई। और फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपकी जो बाइक है वो कुछ ऑयल वगैरह ज़्यादा खा रही है, मतलब सूख जा रहा है अंदर ऑयल, तो कुछ इंजन की तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो भी उन्होंने बताया, और फिर वो सजेस्ट किया कि आप थोड़ा धीरे जाइएगा, ताकि आगे आगे फिर जाके कोई प्रॉब्लम ना हो घर तक, वैसे तो अभी निकल जाएगी, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया। तो मैं वो जो दो बंदे थे जिसने मुझे गैरेज तक छोड़ा, और फिर जो गैरेज वाले भाई थे उन्होंने मेरी गाड़ी रिपेयर की, तो उन दोनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर उस तरीके से मैं अच्छे से घर पहुँच गया, और अभी भी बाइक तो वैसी ही है, क्योंकि मैं जहाँ पे बाइक रिपेयर करवाता हूँ वो आज खुला नहीं है, तो कल शायद वो खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो मैं वहाँ पे बाइक रख दूँगा। और मेरे पास जो शायद दूसरी मेरी जो बाइक है वो मैं शायद कल ले जाऊँगा मेरी जॉब पर। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने एडिट कर दिया है, और एडिट करते करते मुझे जो मेरे मन में विचार आया 26 जनवरी को लेकर, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। तो ये इसलिए रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं जब सूरत में घूमता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि सूरत के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग, वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। अगर ट्रैफिक सिग्नल पे बाइक रोकनी हो तो वो कहाँ पे रोकते हैं, जिब्रा क्रॉसिंग जो होता है वहाँ से भी आगे निकल जाते हैं, तो उसमें रोड जो क्रॉस करते हैं उसको दिक्कत होती है। तो वो आप ये 26 जनवरी तो चले गए, पर कोई बात नहीं, आप कल से तो मेरा ये जो ब्लॉग देख रहे हैं उसके बाद से आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, ताकि जिब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस करते हैं उसको उनको कोई दिक्कत ना हो। और मैं बोलना चाहता हूँ जो ट्रैफिक पुलिस रहते हैं वहाँ पे, उनको भी मेरा ये सजेशन है कि आप जो भी ऐसा करें, जो जिब्रा क्रॉसिंग पे बाइक वगैरह लिया है, आप उसको बोलिए कि वो पीछे ले लें, ताकि जो रोड क्रॉस कर रहे हैं उसको कोई किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मैं भी चलते चलते जाता हूँ मेरी ऑफिस तक, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है रोड क्रॉस करने में, क्योंकि एकदम जिब्रा क्रॉसिंग से आगे से जाना पड़ता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसकी वजह से आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कीजिए गाइस, क्योंकि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना भी एक देश के लिए तरक्की की बात होती है। आपने शायद देखा होगा फॉरेन में आप कभी घूमने गए हो, या फिर फॉरेन की कंट्री का कोई आपने वीडियो देखा हो, तो उसमें साफ तौर पे पता चलता है कि ट्रैफिक रूल्स वहाँ पे कैसे लोग फॉलो करते हैं। तो अपने देश के लिए भी ये कीजिए, तभी हम अच्छे देशभक्त बन पाएंगे, या फिर देश के लिए सेवा सच्ची कर पाएंगे। वैसे तो लोग बहुत बोलते रहते हैं कि हम देश के लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर जब तक हम अच्छी तरह से देश के किसी भी रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करते हैं, तब तक ये हम नहीं मानते कि आप वो कर पाएंगे। तो अब से आप
जो भी रूल्स हो वो अच्छी तरह से फॉलो कीजिए, वो फिर ट्रैफिक रूल्स हो या फिर कोई और जो सरकार ने बनाए हो नियम कानून, वो आप फॉलो कीजिए अच्छी तरह से। तो बस आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और ये व्लॉग को मैं अभी एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड ऑलवेज डू गुड थिंग्स।